Hello children, today we are going to start to revise chapter 2 of your science book that is plant adaptations. हमने इससे पहले वाले जो videos थे वहाँ पे हमने chapter 1 का revision पहले से complete कर रखा है और I hope that तुम लोगों को बात यानी जो मैंने पढ़ा है वहाँ पे chapter 1 में तुम्हें समझ में आया होगा और जो revision हुआ उससे जो बात मैंने पहले पढ़ाया था तो वो बात फिर से clear हो गया होगा. तो आज से हम फिर यहाँ पे revision ही शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो revision हम कर रहे हैं यहाँ पे chapter 2 का कर रहे हैं यानी कि जो plant adaptations है उसका हम रिवीजन यहाँ पे करना शुरू कर रहे हैं. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो प्लांट्स से ये जरूरी होता है, जरूरी पार्ट है किसके, तो हमारे इन्वायरमेंट के यानी हमारे पर्यावरण के जो हमारे जो इन्वायरमेंट है जो सराउंडिंग्स है उसके इम्पोर्टेंट क्या है, वो इसेंशियल हिस्सा है. नेक्स्ट बताया गया है कि सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो निर्भर करते हैं किस में, प्लांट्स के लिए, किस चीज़ के लिए, तो फूड के लिए. तो हमने ये बात तो पहले से पढ़ रखा है, जो इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमने वहाँ पे पढ़ा था जो पिछले वीडियो में. तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो प्लांट्स है वो फूड प्रोड्यूस करते हैं और इसी फूड से क्या मिलता है, नॉरिशमेंट मिलता है सारे जो लाइफ फॉर्म्स को. और हमने वहाँ पर ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है यानी कि जो एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को क्या प्रोवाइड करता है, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. तो ये बात हमने पहले से पढ़ रखा है. तो अब हम यहाँ पे आगे रिवीजन करने वाले हैं. तो यहाँ पे बताया गया हैबिटेट क्या है, तो याद रखना है कि जो जगह पे वो जगह जहाँ पे जो एनिमल प्लांट रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो हैबिटेट कहते हैं. तो हैबिटेट क्या है, तो उसका घर है. तो जो नेचुरल होम होता है प्लांट का, एनिमल्स का, उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे एडेप्टेशन समझाया गया है. तो एडेप्टेशन हम किसको कहते हैं, तो याद रखना है वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म वो और अच्छे से अपने इन्वायरमेंट में घुल के वहाँ पे रह सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशंस कहते हैं. तो याद रखना है एडेप्टेशंस किसे कहते हैं, एडेप्टेशन उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं जो प्लांट्स में जो हमें बदलाव देखने को मिलता है, जो एनिमल्स में बदलाव देखने को मिलता है जिसकी वजह से वो और अच्छे से अपने इन्वायरमेंट में वहाँ पर जिंदा रह सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं. तो यहाँ पे आगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स में बताया गया है कि जो अलग अलग काइंड्स ऑफ प्लांट्स उगते अलग अलग जगहों पे और जो हर एक जो प्लांट है उसका यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी उनका अलग ही किस्म का, अपना अपना अलग अलग किस्म का कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें हमें देखने को मिलता है जो मदद करता है उनको सर्वाइव करने यानी जिंदा रहने में उस पार्टिकुलर एरिया में. तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम जो प्लांट्स से जो प्लांट्स को अगर हम कैटेगोराइज करेंगे उनके हैबिटेट के अनुसार, तो हैबिटेट मतलब वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो कहाँ पे उगते, तो उसके अनुसार अगर हम प्लांट्स को कैटेगोराइज करेंगे तो हम उसको दो हिस्सों में कैटेगोराइज कर सकते हैं. वो है तुम्हारे एक्वेटिक प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. तो हमने इस बारे में पहले से पढ़ रखा है. तो आज हम यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में यहाँ पे रिविजन करना शुरू कर रहे हैं. तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि एक्वेटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स है, तो ऐसे प्लांट्स जो कहाँ पे उगते हैं, तो ये जो प्लांट्स है ग्रो करते हैं और वो लीव करते कहाँ पे, तो पानी में. तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है. और आगे जो एक्वेटिक प्लांट्स है इसको हम चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, वो है तुम्हारे फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स प्लांट्स, ऐसे करके जो अंडर वाटर प्लांट्स और इमर्जेंट प्लांट्स. तो ये चीज़, ये जो चार किस्म के एक्वेटिक प्लांट्स है क्या क्या है, तो मैंने तुम्हें बताया फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट और इमर्जेंट प्लांट. तो आज का ये जो वीडियो है यहाँ पे हम रिविजन करने वाले फ्लोटिंग प्लांट्स और फिक्स प्लांट्स के बारे में. तो यहाँ पे याद रखना है तुम्हें दिख जाएगा डॉग वीट, वाटर लिट्यूस, वाटर हाइसिंथ, ये एग्जाम्पल्स है किसके, तो फ्लोटिंग प्लांट्स के. तो यहाँ पे जो नाम बता रहा है फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, तो कोई चीज़ फ्लोट करेगा पानी में तो वो तैरेगा. जैसे कि अगर तुम्हारे पास प्लास्टिक का बॉल है तो अगर उस बॉल को तुम पानी में ऐसे डालोगे तो वो पानी में डूबेगा नहीं, वो ऊपर में आके वो सरफेस में क्या करेगा, तो तैरेगा. तो ऐसे करके याद रखना है जो फ्लोटिंग प्लांट्स होता है ये ऐसे प्लांट्स है जो फ्लोट करता है पानी में, क्योंकि ये जो प्लांट्स ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं साइज में. तो क्या है, याद रखना है ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो हल्के और छोटे होते हैं साइज़ में, इसलिए वो फ्लोट करते हैं. साथ में बताया गया है कि ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं इनके जो स्टेम्स होते हैं उसमें क्या भरा होता है, तो वहाँ पे हवा भरा होता है. तो ये भी याद रखना है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स तो मैंने बताया डॉग वीट, वाटर लिट्यूस, वाटर हाइसिंथ. तो ये तुम्हें ये जो पिक्चर्स है तुम्हें बुक में दिख जाएगा. तो ये जो पिक्चर्स की मदद से ये जो नाम नीचे भी दिए गए हैं तो ये तुम्हें नेम्स को मेमोराइज करना पड़ेगा. तो अगर मैंने कभी तुम्हें पूछा कि इस डॉग वीट फ्लोटिंग प्लांट्स, तो याद रखना हाँ ये डॉग वीट जो है वो फ्लोटिंग प्लांट है. तो ऐसे करके वाट इज वाटर लिट्यूस अ फ्लोटिंग प्लांट, देन येस यू हैव टू से इज वाटर हाइसिंथ अ फ्लोटिंग प्लांट, देन येस यू हैव टू से. तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो डॉग वीट, वाटर लिट्यूस, वाटर हाइसिंथ क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स है फ्लोटिंग प्लांट्स के.
नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि ये जो इसके जो रूट्स होंगे ऐसे प्लांट्स के, ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से, तो ये डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिएंट्स पानी से ही। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, तो यहाँ तक मैंने बोला हैबिटेट क्या है। तो हैबिटेट मैंने बोला कि जो जगह पे, जिस जगह पे जो एनिमल्स प्लांट्स रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं, यानी कि उनका जो नेचुरल होम है उसको हम हैबिटेट कहते हैं। आगे हमने पढ़ा कि जो एडेप्टेशन क्या है, तो एडेप्टेशन में हमने देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, बेटर सूटेड होता है उसके इन्वायरमेंट के लिए, यानी कि वो वहाँ पे अपने इन्वायरमेंट में अच्छे से वहाँ पे घुल मिल के वहाँ पे जिंदा रह सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स उगते हैं अलग अलग एरियाज़ में, और यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी मदद से वो उस एरिया में वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा कि हैबिटेट के अनुसार हम प्लांट्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, वो है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो हमने यहाँ पे पढ़ना शुरू किया कि इस बारे में, तो हमने यहाँ पे रिवीजन करना शुरू किया एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में, और हमने देखा कि जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो प्लांट्स है जो दोज प्लांट्स दैट ग्रो एंड लिव इन वाटर, वी कॉल देम व्हाट, वी कॉल देम एक्वेटिक प्लांट्स। एंड हमने वहाँ पे फर्दर पढ़ा कि जो एक्वेटिक प्लांट्स है इसको हम फोर टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, वो क्या क्या है। तो हमने बोला फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स और इमर्जेंट प्लांट्स। और मैंने तुम्हें बताया कि आज का जो वीडियो होगा यहाँ पे हम दो ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो दो है तुम्हारे फ्लोटिंग प्लांट्स और फिक्स प्लांट्स। और अभी हमने इस वीडियो में यहाँ पे अब तक ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स है इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। हमने देखा कि ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स है, जो नाम ही बता रहा है, ये क्या करता है, फ्लोट करता है पानी में। और यहाँ पे हमने जाना कि ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं, और साथ में उनका साइज क्या होता है, तो वो स्मॉल होते हैं साइज में। और हमने देखा कि इनके जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम्स में क्या भरा होता है, तो वहाँ पे स्टेम्स में उनके हवा भरा होता है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में हमने डॉकवीट, वाटर लेट्यूज और वाटर हायसिंथ यहाँ पे पढ़ा। और हमने ये भी जाना कि ये जो प्लांट्स हैं, यानी कि जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली कहाँ से वो ऑब्जर्व करते हैं, तो हमने बोला पानी से ही वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो अब हम आगे रिवीजन करेंगे किस बारे में, तो फिक्स प्लांट्स के बारे में। तो यहाँ पे तुम्हें पिक्चर दिखेगा, फिर से यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा लोटस और वाटर लिली। तो ये जो लोटस और वाटर लिली है किसके एग्जाम्पल्स है, तो फिक्स प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया कि ये जो एक्वेटिक प्लांट्स है ये फिक्स होता है वाटर बेड से, यानी कि वाटर बेड यानी कि जो पानी का जो सतह होगा, यानी नीचे में जो उसका जो वाटर बेड होगा, यानी कि मान लो तो कोई पोंड में उग रहा है, तो पोंड का जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, पानी के जो नीचे में जो ज़मीन का हिस्सा होता है, उसको हम वाटर बेड कह रहे हैं। तो याद रखना है दिस एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि ये जो एक्वेटिक प्लांट्स है, जैसे कि जो ये लोटस वाटर लिली की हम बात करें, तो ये फिक्स होता है किसके साथ, तो वाटर बेड के साथ। तो ये वाटर बेड के साथ कैसे जुड़ा होता है, तो याद रखो उनके स्ट्रॉन्ग रूट्स के थ्रू वो वहाँ पर जुड़ा होता है। लेकिन इनके जो फ्लावर्स होते हैं ये हमें दिखेंगे तैरते हुए कहाँ पर, तो वाटर के सर्फेस में, जैसे कि यहाँ पर हमें दिखने को रहा है इसके जो पत्ते हैं फ्लावर्स है, ये तैर रहा है कहाँ पे, तो सरफेस में, यानी कि वाटर के सरफेस में यहाँ पे ये तैर रहा है। लेकिन इसके जो रूट्स होंगे नीचे जाएगा, और जो नीचे में जो मिट्टी होगा वहाँ पे उसको पकड़ के वहाँ पे वो रहेगा। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि ये जो प्लांट्स होंगे इसके क्या होंगे, तो लंबे और पतले एयर फील्ड स्टॉक्स होंगे, यानी कि जो इनके जो स्टॉक्स है वो क्या होंगे, तो उसमें भी हवा भरा होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि इन ये जो स्टॉक्स होंगे अंदर की ओर से वो हॉलो होंगे, हॉलो होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे जैसे कि वहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी स्पेस होगा। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना, जैसे कोई पाइप होगा, पानी का पाइप ले लो, तो पानी का पाइप जो अंदर की ओर से क्या होता है, छेद होता है, तो ये सही उनका भी जो स्टॉक्स है अंदर की ओर से छेद होगा। तो अगर तुमने कोई अभी लोटस का स्टॉक देखा होगा, तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि बीच में क्या होगा, वहाँ पे छेद होगा। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट बताया गया है कि इनका जो ऐसे जो फिक्स प्लांट्स होते हैं, इनके स्टोमाटा होता है अपर साइड में, यानी कि जो पत्ते होते हैं उसके अपर साइड में उनके स्टोमाटा होता है। किस पर्पोज़ के लिए, तो ब्रीदिंग पर्पोज़ के लिए, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इनके जो स्टोमाटा होते हैं वो अपर साइड में होता है। यहाँ पे बताया गया कि ये जो प्लांट्स होते हैं, जो फिक्स प्लांट्स होते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से, तो सोयल से। तो इनके जो रूट्स के थ्रू, स्ट्रॉन्ग रूट्स के थ्रू, ये सोयल से ही क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। और आगे बताया गया है कि इनके जो पत्ते होते हैं उसमें एक वैक्सी कोटिंग होता है, तो उसमें एक परत होता है, वैक्सी कोटिंग यानी परत होता है, वहाँ पर कोटिंग होता है जो उसको प्रिवेंट करता है, यानी कि उसको रॉट होने नहीं देता है। रॉटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा तुमको, रॉटिंग यानी कि उसको सड़ने नहीं देगा, तो सड़ने से उसको रोकेगा। तो याद रखना है क्या चीज़ सड़ने से रोकेगा, ये जो फिक्स प्लांट्स के पत्तों को, तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, वैक्सी कोटिंग होता है, जिसकी वजह से इसके जो पत्ते होते हैं वो सड़ते नहीं है।
नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है इनके जो रूट्स होते हैं उनको मदद करता है क्या है ऑब्जर्व करने के लिए, तो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करने के लिए सोयल से जो वाटर बेड में जो सोयल होता है उससे वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करता है। और आखिर में बताया गया है कि बहुत सारे जो टेस्टी डिशेस है हम बना सकते हैं इनके रूट्स की मदद से, ऐसे फिक्स प्लांट्स के रूट्स की मदद से, जैसे कि यहाँ पे बताया है लोटस। तो अब इससे कोई व्यंजन बनेगा यानी टेस्टी डिशेस बताया तो कोई टेस्टी डिशेस इससे बनेगा।